भारत है संज्ञा विराग की, उज्ज्वल आत्म उदय की, भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां जब हमारे मानस के अंदर तक उतर जाती हैं, तो सोचिए उस पीढ़ी के बारे में जिसने स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर भारत को भारत बनाया। उस पीढ़ी में कितनी गहराई से समाई होगी आजादी की लालसा, जिसने गुलामी की बेड़ियां काटने में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। भारत का इतिहास यदि महाप्राण देशभक्त महापुरुषों के दृष्टांतों से भरा पड़ा है, तो उतना ही भरा पड़ा है उन महापुरुषों के अनुयायियों से, जो अंगारों की वर्षा में भी मुस्कुराते रहे और आकाश की बिजलियों से खेलते रहे। इन सब की कामयाबी के पीछे था भारत का वो आम नागरिक जो अपनी जिम्मेदारी समझकर इन महापुरुषों के साथ आ डटा। ये वर्तमान पीढ़ी का सौभाग्य है कि विलुप्त होते ऐसे आम नागरिकों में हमारे बीच मेघराज जिंदल जैसे व्यक्तित्व अब भी हैं। मेघराज जिंदल का जन्म 20 फरवरी 1914 को हरियाणा में भिवानी जिले के भेरा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम भोला राम और माता का नाम चलती देवी था। इन्होंने 8वीं तक शिक्षा हिसार के हरजी राम हाई स्कूल से प्राप्त की, तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से 1936 में बीए किया। 1931 में भगत सिंह की शहादत के बाद ये आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर रंगून चले गए। वहां से 1942 में भारत लौटे। 1942 में महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में पूरे भारत का भ्रमण किया। गांधी जी दो बार इनके घर भी आए थे। मेघराज जिंदल एक बार गोरखपुर और एक बार हिसार जेल में भी बंदी रहे। उम्र का शतक पार कर चुके मेघराज जी की देह अब भले ही थकने लगी हो और स्मृतियां साथ छोड़ने लगी हो, लेकिन गुलाम भारत से आजाद भारत तक की हवा में सांस लेती उनकी सांसें उन्हें सक्रिय और स्वस्थ बनाए हुए हैं। उनका स्पष्ट मत है कि आजाद भारत गुलाम भारत से कहीं बेहतर है। वो उसने बिठा लिया कर ला, गांधी जी ने आपका दोनों बिठा लिया कर ला, राह जाओ राह हो और दूसरा के लिए बुराई ना सोचो, देश के लिए तैयार रहो। वो भी यह करना महात्मा जी, देश के लिए तो मर जाएगा ना, बस वो नया नया जगह जगह एक जगह खड़ा करना, पांच पांच दस आदमी एक जगह था ना, उठाऊने आपकी मीटिंग बड़ा बड़ा बस खुशी मना ली। एक जगह को नहीं आया, फिर गांधी जी का दोनों को सारा कट्ठा को नहीं आया, मैं तुम ऐसा दो देश आजाद है दूसरा जितना कोई आजाद को नहीं कट हो को नहीं जितना सुभाष चंद्र बोल दे कौन तो कड़े गए कड़े कट हो आजाद हो गया, खुशी भी होगा कर दी और नाराज भी होगा कर, आदमी मार दिया उनको दुख को नहीं होंगे, और सुभाष चंद्र बोल दो बेरो कौन मतलब कर ले गया, उसका असल इंसान तो इतनी कौन पाया था कड़े मारे कर ले गया, खुशी का जी क्यों मनाई मिलो इन्हें, बस ठीक है हो गया। मेघराज जी को आज भी अच्छी तरह याद है बापू के आह्वान पर वे कैसे घरों से निकल जाते थे और एक जगह इकट्ठा होकर चल पड़ते थे आजादी की अलख जगाने। इतने लोगों को एक साथ देखकर अंग्रेज अफसरों को भी नरमी बरतनी पड़ती थी। आजादी के संघर्ष में महिलाओं का योगदान भी कभी किसी से कम नहीं रहा। वे घरों में चरखा काटती थीं और परिवार के हर पुरुष सदस्य को घर की जिम्मेदारियों से मुक्त रखती थीं। मेघराज जिंदल मानते हैं कि दूसरों के लिए प्राण देने वाला ही महानतम होता है और आजादी के ऐसे दीवानों ने ही स्वाधीनता दिलाई। यही करता था, बोले देखो इस देश की खातर मर जाओ, देश की बस फर्ज बन जाएगा, हर एक आदमी आपके देश की खातर क्यों नहीं करे, ये बस अंग्रेजों को निकालो यहाँ से किसी ढंग से हो जाओ, आदमी बड़ा वही होता है वो दियो कर दो, बड़ा आदमी वही होता है जो अपने दूसरे के लिए अपनी प्राण दे दे, दूसरे के तुम्हें जो को प्राण दे दे कितनी कोशिश करे उसका नाम हो जाता है, बट वो मिसाल क्या कर रहा है वो कोई सुनी होगी, फिर हकीकत राय ऐसा ना मरवा दिया था राजा वो खिलाफ राजा कर लो, हकीकत राय उम्र थी यानी रहे उसने धर्म पर दे दी जिंदगानी,
हंस हंस के दे दी जान मगन रहा सी। वो न्यू कहा तो बचालो लाल से फांसी दे दूंगा, लेकिन मेरा धर्म छुटवा दो जी तो जाना। तो उसने फांसी दे दी, वो धर्म कौन थोड़ी होनी। तो उसके किताब सबकी अंग्रेज उम्र थी या नहीं रहा, धर्म पर दे दी जिस गाने ने हंस हंस के दे दी जान मगन रहा सी इस कटाने में। तो यह बात है वह अकीरा वाली बात है। न्यू कहा कर रहा कि मारो फांसी दे दो कि मैं कर दो मेरे औलाद से को नाट लो एन ने कोई अचार सके को नहीं, बाकी हमने को दिखा दे मारे पास कोई बात को ले नहीं कह कि हम तो कौन कहा या ये दोस्त हो तो उसकी बात कह तो दोस्त यह कर बोले आदमी का बस फर्ज बनता है देश की वास्ते ध्यान दे देना फर्ज बन रहा है। तो जो असल भगत है ना देश का वो उसके लिए ध्यान दे देना चाहिए। मिलिट्री बना ली थी तो असल हाँ हाँ और बोला थी बांस का बंडल लाया था दो ग्राम ही लेके भेजा था ये खाटा बाई मिला के सको नहीं वो सूखे सूखे छाट के लिए वह लाठी दिया उन आदमी ने वो लठ नहीं दिया था चाल दाल खूब खुटका कराया आपस में बिगड़ा बड़ा दूसरा सुन रहा वो खुटका उनका वो आपस में लठ बिगड़ाया कर रहा। मेघराज हो या उनके तमाम साथी, उन्होंने जब आजादी का महत्व तो जाना और राष्ट्र नायकों की जोशीली पुकार सुनी तो मृत्यु से भय तो उसी वक्त दूर हो गया। मेघराज जी को आज भी अच्छी तरह याद है जेल में बिताए गए दिन, वहां बर्तानिया सरकार की तानाशाही, जबरन काम कराया जाना और खाने के नाम पर रूखी सूखी दाल रोटी। पहले तो बस डरा कर रहा कौन हो कलर या खराब हो कल कोई पकड़ ले सब के डरा कर लो थाने में यानी अंग्रेजों का आदमी तहसीलदार से ऊपर सब अंग्रेज डरा कर रहा थाने में थानेदार थाने तो थो मैंने एस पी वो अंग्रेज आया कर रहा बाटर ने भिजवाया कर रहा तो चाकी रखी थी यानी आप उनने जो खाना खा कर आपकी वो बादलों पीछा कर रहा जा रहा है क्यों तो बहुत थोड़ी लैम रहा वो कराया कर रहा फिर माटी मुटी खुद आमदार जेल में काम करवाया कर रहा उन चाकियाँ पर कई आदमी लगा दिया कर रहा पीछा कर रहा थोड़ी थोड़ी देर पहले कह दिंदा बोले क्यों योजना बनाई मेरे ख्याल से पहले हमें कह दिंदा कहना मैंने उनकी कह लिया बात जगह जगह कह दिंदा भाई रोटी बाजरे की बनवाइयो। अच्छा बाजरे की रोटी के ऊपर मक्खन वगैरह लगा के हाँ लगा लियो खा लिया और मिर्च ले आया चटनी ले आया खाली सब्जी हुई खाली कटरा की मतीरी की सब्जी खाया कर लो मतीरी की भी सब्जी खाना हाँ अंग्रेजा का नाम तो इतना नारा था या वाज करिए या चिन्नी खावा है नहीं चिन्नी तो नाराज था लोग कबल या बहुत लाओ था कौन खावा अरे वह कर दिया अपना हिंदुस्तान गन्ना द्वारा ही बोया कर रहा ही बोल लेकिन है ना विदेशी मान रखी थी देसी खांड खाया कर रहा या चिन्नी कौन खाया कर रहा यार मोटली बात कहीं कर लो चिन्नी कौन लेना। सुभाष चंद्र बोस जैसे ओजस्वी जननायक तो विश्व इतिहास में भी दुर्लभ हैं। मेघराज जिंदल उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज में भी काम किया। तब सबसे पहले फौज की तरफ से इन्हें लाठी मिली थी। वे पल याद कर मेघराज जी आज भी रोमांचित हो उठते हैं। हालांकि आजादी के समय नेताजी का गायब हो जाना उन्हें आज भी बहुत सालता है। ये कर रहा बोले धर्म तो कोई छोटा को नहीं अंग्रेज मार देंगे अपन मार दो अपन तो जीवन हटाने या कहाँ अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों निकलो हटते हैं और मार देंगे तो मार देंगे मरने क्यों डरो जो कोई मरने से डरा वो हमारे पास ना हो हमारे पास न तो हमारी बात सुनो न हमारे लोग बैठो जिसने के मरण से डर लगे हमारी बात जिसना छिना है हमारे लोग ना हो अंग्रेज डर जाओ वह हथियार इसका काठ की लाठी दिया कर रहा
काठ का दिए लट्ठी, हथियार को मिलिट्री ने हथियार कौन सा मिलिट्री बनाई नहीं हुआ, हथियार लठियाँ दिखाया था। दो एक आदमी को सुन दूँ का आप उमंग चढ़ जाती बेरो नाम लो तो भी हाँ का मन ले लो सकते। सुभाष चंद्र का मिलिट्री बनी उनको गेल थोड़ी आप मिलता गेल लोग हमें दे दो मन दे दो मन जो लाठी कट्ठी करा कर रहा मैं भी सेट डालूंगा लाठी मन दे दे मैं भी सेट डालूंगा। अब नहीं हो गया कट्ठा दोस्त बढ़ गयो वो दूसरा उमंग आवाज है ना भगवान का वो या बन नहीं थे ना वो दाना ढंग रहे हर एक आदमी का जोश बढ़ा हो गयो अच्छा तो दिल्ली इशारे वो ये सुभाष चंद्र बोल का खड़ा खड़ा रह गया तो सारा हिंदुस्तान में जोश रह गया तो अच्छा प्रभाव था गांधी जी होगी लुगाई भी नहीं होगी कट्टी थी चरखा लेवा सूत काटा नारा लगाया कर रहा बड़े जेल टूट रहा है ना फिर हम ही उन लोगों ने कही भाई चल लो क्यों बोले क्या है बोले के चलें साथ चलेंगे दस दस तक जिंदा रहेंगे नुकना दस तक जिंदा रहेंगे साथ चलेंगे खड़े खड़े गए के यार ढेर गणा दिया कुछ दिन में भूखा कौन लगे कर रही है अजान खाना खाओ नू करो किसी के उमंग चढ़ रही थी सबका मर गया उनका भी उमंग थी गोलियां ये भगत सिंह भगवान फांसी दे दी डॉ ले तो कोई नहीं पकड़ पकड़ अरे सुभाष चंद्र को मेरे कोने कड़ा मारे मेघराज जिंदल के सुपुत्र बीडी अग्रवाल खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि मेघराज उनके पिता हैं। बचपन से पिता को देश सेवा में समर्पित देखा तो उनके मन में भी आवाम के लिए काम करने की इच्छा जगी और इसी ललक ने उन्हें समाज में एक समाजसेवी जननेता और प्रतिष्ठित उद्योगपति का दर्जा दिलाया। वे अपनी सफलता का सारा श्रेय गर्व से अपने पिता को समर्पित करते हैं। पिताजी अक्सर कहा करते थे कि लाहौर में सैंडर्स को मारने में गलती तो हुई लेकिन यह संतोष रहा कि सैंडर्स के बदले जो मारा गया वो भी अंग्रेज ही था। जब ये 14 साल की उम्र में जब लाहौर के अंदर सैंडर्स को मारने में गलती की उस टाइम में जो जैकब स्कॉट वहाँ का एसपी था उसको मारना था वही टारगेट पर्सन था परंतु मेरे पिताजी की गलती की वजह से जो सैंडर्स मारा गया तो पिताजी को उसका आज तक अफसोस है कि हमें जो आदमी चिन्हित किया था वो आदमी न मर के दूसरा मरा है पर उनको खुशी इस बात की है कि भी मरा अंग्रेजी है। तो इन्होंने बहुत अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे भगत सिंह जी को फांसी देने के बाद में ये निराश हुए उसके बाद में फिर आज़ाद हिंद फौज में चले गए रंगून रहे फिर उसके बाद में गांधी जी के साथ में 1943 में आकर के पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण किया जेल में रहे गांधी जी से बहुत प्रेरणा ली और आज भी इनके है जैसे लोग कह देते हैं भी आज़ादी का कोई मतलब नहीं है आज भी पिताजी का ये कहना है कि भी वो हम गुलाम थे गुलाम था थानेदार से ऊपर जो अधिकारी होते थे तहसीलदार से ऊपर जो अधिकारी होते थे अंग्रेज होते थे अपनी मर्जी से काम करते थे उनके पास जाते हुए डर लगता था आज देश आज़ाद है तो हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है हम अपनी बात को अधिकारियों तक कह सकते हैं और भारत के लोग जो है अब आज़ादी का जो आनंद है पढ़ाई है नौकरी है खेतीबाड़ी है जो भी लोग अपना कुछ करना चाहते हैं व्यापार है फैक्ट्री लगाना है सब कुछ कर सकते हैं जिसके अंदर किसी आदमी का कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। परिवार में देशभक्ति का माहौल इतना रचा बसा था कि बीडी अग्रवाल ने बचपन में जो नाटक खेला वो भगत सिंह पर आधारित था। हम शुरू शुरू के अंदर तो पिताजी को और मेरी ताई जी को ये मानते थे जब हम बच्चे थे कि भाई इनको क्या ज़रूरत थी जब हमारे खेत था हमारे रोटी मिलती थी गाय भैंस थी दूध मिलता था परंतु जैसे हम बड़े हुए हमें पता चला कि पिताजी ने ताई जी ने अच्छा इतनी बड़ी कुर्बानी करने के लिए इन्होंने अपने आप को आज़ादी की लड़ाई के अंदर झोंका तो हमारे अंदर भी एक जज्बा पैदा हुआ।
फिर भगत सिंह का हमने ड्रामा किया, उस ड्रामे के अंदर मैं राजगुरु का मैंने रोल वो किया। हम भगत सिंह तो नहीं बन सकते थे मूल रूप में, पिताजी वाला काम तो नहीं कर सकते थे, देश आज़ाद हो गया, परंतु जज्बा हमारे अंदर इन लोगों ने उतना ही पैदा किया है जितना इनके अंदर उस वक्त था। बीडी अग्रवाल मेघराज जी की इस बात से सहमत हैं कि हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन वास्तविक आज़ादी के लिए जन कल्याण के काम करना, लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करना और आज़ादी कायम रखने के साथ साथ भारत को एक बार फिर शिखर पर स्थापित करने के लिए प्रयास जारी रहने चाहिए। देखो, मेरे पिताजी ने हमेशा कहा, आज़ादी का मतलब है आपको जो आज़ादी मिली है उसका सदुपयोग तभी होगा जब आप जनता के लिए, आप लोगों के लिए, उनका जो मैंने सक्षम बनाया है आप लोगों को सक्षम बनाओगे, आप लोगों के लिए काम करके जनता को, पूरी जनता को शिक्षित करोगे। इसके लिए मेरे पिताजी ने कॉलेज बनाया, इसी के लिए स्कूल बनाया और चिकित्सा के लिए ऐसे हॉस्पिटल बनाया। तो मेरे पिताजी के चरणों के ऊपर हम चलेंगे, उनके मार्गदर्शन के ऊपर हम चलेंगे और जनता के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए, किसानों को ऊपर उठाने के लिए हम काम करते रहेंगे। मेघराज जी ने आज़ादी के बाद समाज सेवा के बहुत से काम किए। उनके मन में खुद को स्वतंत्रता सेनानी साबित करने का दिखावा करने की बात ही नहीं आई, बल्कि हकीकत तो यह है कि 15 अगस्त 1947 की रात को ही वे दिल्ली से श्रीगंगानगर लौट आए थे। देखो, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमारे पूरे परिवार के अंदर ये जज्बा था, परंतु अभी मेरा ये है भाई, हमने, इन्होंने जो कुछ किया वो कर चुके हैं, अब हमें उनसे आगे बढ़ के दिखाना होगा, तब जनता में जो इन्होंने किया हम उनको आगे बढ़ा सकेंगे। उसी परिपाटी के रूप में मैं कर रहा हूँ और उसी परिपाटी के रूप में मेरी बेटी कामनी जिंदल करेगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और हो सकता है कि आज हमारे अंदर जो जज्बा है वो जज्बा है कि हम नौजवानों को प्रेरित करके फौज में लेके आएं। अभी भी गंगानगर के 4 बच्चे मेजर बने हैं, आज वो फौज के अंदर हैं। मैंने भी मेरे पिताजी के जज्बे के अनुसार हम गंगानगर से 100 बच्चे कम से कम फौज के अंदर अफसर जाएं, हमारी ये योजना है। बीडी अग्रवाल की बेटी यानी मेघराज जी की पोती कामिनी जिंदल अभी श्री गंगानगर से विधायक हैं। 16 जून 1988 को जन्मी कामिनी जिंदल का सौभाग्य है कि वे राष्ट्रपिता के सहयोगी रहे, अपने दादा की गोद में खेलकर बड़ी हुईं। कि ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। हालांकि मेरा जन्म जब हुआ तब तक आज़ाद हो चुके थे, 1988 में मेरा जन्म हुआ, लेकिन देशभक्ति की बातें, जिस देशभक्ति का जज्बा कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे वो कितने ही साल पुराना रहे। और वही जज्बा जो मैं बातें उनकी सुनती हूँ कि किस तरह गांधी जी से जुड़े रहे, किस तरह उनके आंदोलन में भाग लिया, तो वो अपने आप में एक भावना जगाती है कि हाँ, मेरे दादा के टाइम से जब ऐसी देशभक्ति की भावना, जब ऐसी सेवा भावना चली आ रही है, तो हमें भी उसी को कायम रखते हुए देश की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहना है और अपनी सेवा देती रहनी है। जितना भी हम देश के लिए कर सकें वो कम ही रहेगा। ऐसे परिवार का सदस्य होना उनके लिए इतने गर्व की बात रही कि स्कूल कॉलेज में लोग उनसे आज़ादी के संघर्ष की कहानियाँ सुनने को लालायित रहते थे। बाहर भी पढ़ी हूँ, हॉस्टल में भी रही हूँ और यहाँ भी गंगानगर में भी जब पढ़ी हूँ, तो सब लोग इस बात को जानते थे, तो सब मुझसे अनुभव भी पूछते थे कि कैसा लगता है। तो मैं उनको यही कहती थी कि ऐसा मौका किसी किसी को मिलता है, ऐसे सौभाग्यशाली कोई कोई होता है जिनको ऐसी अच्छी विचारधारा वाले लोग मिलते हैं, जो अपने आप को पीछे रखकर अपने परिवार को आगे रखते हैं, परिवार से पहले देश की सेवा को आगे रखते हैं। तो वही उन्होंने हमें सिखाया है। कामिनी जिंदल चाहती हैं कि वे शिक्षित और समृद्ध राजस्थान और भारत का, अपने दादा का और पिता का सपना साकार करें। राजनीति में आने का उनका मूल मकसद यही है।
वो जो हमें बताते थे कि भी किस तरह से गांधी जी के बारे में बात चलती थी, किस तरह से गांधी जी आते थे और लोग एकजुट होकर ऐसे मोटिवेट हो जाते थे उनके साथ चलने के लिए, मरने मारने की बातें होती थी तब भी कोई पीछे नहीं हटता था, लेकिन क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ ये था कि पूरा देश एक परिवार है और इसके मुखिया वो हैं और उनके पीछे जैसे ही वो आवाज़ देंगे हम सबको चलना है। तो ये एकजुटता की भावना, ये देशभक्ति की भावना हर घर में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, अपने से पहले देश को आगे रखना चाहिए। देखिए उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ, परिवार के साथ हमेशा परिवार की तरह ही रहा जाता है और यही उन्होंने हमें भी सिखाया है। और उनके साथ गांव में जाते थे, खेत में जाते थे, वहाँ पे जो खाना था, रहन सहन था, मिट्टी के जो बर्तन होते थे और उनको मिट्टी से ही धोया जाता था, उस तरह की जो चीज़ें थी वो मुझे लगता है आज के ज़माने में है नहीं और वो वहीं देखने को मिली थी उन्होंने। मैं तो ये कहूँगी कि आज भी उसको कायम रखा है, जो उनके संस्कार हैं वो आज भी हम चाहते हैं कि हम आगे उस तरह की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ। और उन्होंने हमेशा हमें पढ़ाई के लिए कहा है कि पढ़ो पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है और उसी को लेके उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया है कि आप लड़की हो, लड़की को उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं समझा। मुझे याद है मेरे दादा दादी जब बेटी होती थी मेरी परिवार में और भी जब बच्चियां हुई है तो वो कितने खुश हुए हैं, तो उन्होंने इस भावना को भी तोड़ा है कि बेटियां जो होती हैं वो कम होती है। मेरे चुनावों के समय भी चाहे वो घर पर रहे लेकिन उन्होंने मुझे लगता है अपनी तरह से अपना प्रचार किया होगा, तभी उनके आशीर्वाद से मैं आज शायद यहाँ तक पहुँची। अब उनका मकसद है कि भारत का नाम सबसे ऊपर हो, मेरा भारत महान और महान रहेगा और हमें इसको महान बनाने में अपने कदम और बड़े करने होंगे और शीघ्र करने होंगे। कामिनी जिंदल के पति गगनदीप सिंगला राजस्थान कैडर के IPS हैं। ऐसे परिवार से जुड़ना गगनदीप के लिए फख्र की बात है। वास्तव में मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को भी, मैं इस फैमिली के साथ एसोसिएटेड हुआ। जबकि दादाजी के बारे में सुनते हैं, बहुत कहानियाँ सुनते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं भी उन्होंने किस तरह फ्रीडम के दौरान साथ में फ्रीडम स्ट्रगल की, और एक खुद को मोटिवेशन और खुद को एक जज्बा होता है भी हम भी कुछ देश के लिए करें। बीइंग इन अ यूनिफॉर्म सर्विस, उस तरह का जज्बा जरूर मन में रहता है, पर साथ में जब इस बुजुर्ग लोगों की भी हम कहानी सुनते हैं, अपने दादाजी की कहानी सुनते हैं भी उन्होंने इस तरह से किया, तो बहुत अच्छा लगता है और हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन होती है भी आगे जाके और अच्छा करें और जितनी अच्छे से सर्विस कर सकते हैं लोगों के लिए वो करें। एक पुत्र वधु जिसे अपने श्वसुर के रूप में एक स्वाधीनता सेनानी से आशीर्वाद मिला हो और उनके मार्गदर्शन में ही परिवार आगे बढ़ा हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इस बात की बड़ी खुशी है भाई, मेरे ससुर जी ने जो देश के लिए किया है वो बहुत सराहनीय है। मतलब इनके मन में इतनी जागृति हुई, इतनी इच्छा हुई भी मैं भी कुछ देश के लिए करूं, तो इन्होंने जी जान से अपना देश के लिए किया और लोगों को भी उत्साहित किया भाई आप भी देश के लिए कुछ करो, आप भी देश के ऊपर निछावर हो। तो इनसे प्रेरणा ये मिलती है भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। आज मेरे को बहुत गर्व है मेरे ससुर जी पे, मैं बहुत मतलब मेरे को खुशी है दिल में इस बात की। मेघराज जी की पुत्रवधु विमला देवी की सबसे बड़ी थाती है मेघराज जी का स्नेहाशीष। बुजुर्ग होते हैं इनसे देखो सीख मिलती है, ये चार बातें अच्छी बताएंगे। ये एक घर में बैठे होते हैं ना तो ये तीर्थ के समान होते हैं। बड़े बुजुर्ग जो घर में बैठे होते हैं ये एक तीर्थ के समान होते हैं। जब रण करने को निकलेंगे स्वतंत्रता के दीवाने, धरा धसेगी, प्रलय मचेगी, व्योम लगेगा थर्राने, बहन कहेगी जाओ भाई कीर्ति कौमुदी छिटकाना, पुत्र कहेगा पिता शत्रु का झंडा छीन मुझे लाना, स्वाभिमानी माँ कह देगी लाज दूध की रख आना, और कहेगी पत्नी प्रियतम विजयी हो स्वागत पाना, सब पुरवासी लोग हर्ष से फूल लगेंगे बरसाने, जब रण करने को निकलेंगे स्वतंत्रता के दीवाने। और जब ये दीवाने निकले तो आजादी हासिल करके ही लौटे। वो पीढ़ी तो अब लगभग पूर्णता की ओर है, किंतु महासमर के मेघराज जैसे योद्धा अब भी आजाद भारत की हवा में सांस लेकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बिल्कुल गर्व करते हैं जी, सुकून भी मिलता है जी। एक
बहुत अच्छा लगता है कि एक स्वतंत्र सेनानी हैं और जिसकी हम सेवा करते हैं। हमारे को गर्व है कि ये बार बार मौका हमारे को मिले। उनकी उपस्थिति मात्र आज के हर युवा के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आज हम हैं तो सिर्फ इसलिए कि इनका त्याग और बलिदान हमारा रक्षा कवच है।